है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने के इस जमीन पर जरे हैं बेशुमार। इतना किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में। सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे मिले तो ना लूं तेरे सामने। ये प्यार वो नशा के जिसका नहीं उतार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। और हमारे प्रोग्राम में आज एक नए दोस्त शामिल हुए हैं। जी हां, ये उत्तराखंड से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। नाम इनका है रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब। तो मेरे दोस्त, आपने आदाब सलाम लिखी है, हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से। अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। शाज़िया ख़ान साहिबा हमारी मुस्तकिल सामिया हैं। आपने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हो? सर, मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी हमारी तरफ से सलाम। मंजूर अहमद लोन साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे
और आप लिखते हैं कि आप बड़बन गुरेज से हमारे साथ जुड़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। आमिर लोन साहब हैं, आप लिखते हैं, मैं आमिर फ्राम हादीपोरा रफियाबाद से। आपने सलाम भी लिखी है। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, आपने इज्जत फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम आपको ज़रूर सुनवाते हैं। मुगल नवाज़ साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर और बाकी दोस्तों को भी आपने सलाम लिखी है। हिंदवाड़ा से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। मीर वाहिद साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ प्ले द गज़ल, उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं गज़ल के। और बरकत जान साहब प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। शाजिया खान साहबा ने झनकार फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। नौपरा श्रीनगर से आप हमारे साथ जुड़ती हैं, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं इज्जत फिल्म से नगमा, सुनवाने के लिए हमें लिखा है आमिर लोन साहब ने। तो आमिर भाई, ये रही आपकी पसंद। दिलों को बोझ लगते हैं,
कभी जुल्फों के साए भी हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी मोहब्बत ही कलम तन्हा नहीं हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ए जाने अदा हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें बुझा दो का मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दूं तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता दोस्तों अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। शौकत भट्ट साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम अंजुम निसार साहब और तमाम सामिन को भी मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और उसके बाद आप लिखते हैं, उम्मीद है आज मेरी फरमाइश पूरी होगी क्योंकि बहुत दिनों से मेरी फरमाइश पूरी नहीं हुई। हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपने जब जब फूल खिले इस फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और यकीन मानिए बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है कि पिछले कई दिनों से आप लगातार अपनी फरमाइश का नगमा यहाँ पर टाइप कर रहे थे। आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं कि वक्त की कमी की सबब आपका नगमा यहाँ पे पेश नहीं कर पाए, लेकिन आज हम आपकी पसंद का नगमा ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। सजू मलिक साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है आप भी सही सलामत रहें। जहूर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं, आज सर ने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया। मेरे दोस्त यकीन मानिए न जाने क्या प्रॉब्लम है कि आपके कमेंट्स बहुत लेट मेरे पास पहुंच रहे हैं। जो भी कमेंट्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। और समीर मलिक साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और इरफान शाह साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम इरफान फ्राम हाजन सोनाबारी। सर मुझे एक दोस्त है वो रूठ गया, मैं उसके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, आप बने रहें दोस्त प्रोग्राम में, ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। संजीव झा साहब हैं, आप लिखते हैं, टॉप कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। संजीव साहब आप भी मेरे ख्याल में आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपसे गुजारिश है अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा यहाँ पर सुनना चाहते हैं आप अभी टाइप करें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। रिबू शर्मा जी हैं हमारी बहन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आप पंजाब से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी खैर मकदम है। और आबिद राहतर साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग गुड। और उसके बाद आप लिखते हैं कि आपने एक नगमा सुनना है, आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, शौकत भट्ट साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। Thank you.
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रकबे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्त शामिल हुए हैं और सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये भी है कि आप अपने पैगाम हमें लिखते हैं और बाद में हम वो पैगाम यहाँ पर आपके लिए नष्ट करते हैं। और आज जो पैगाम हमें मिला है, ये हमारी एक बहन है, हमारी मुस्तकिल सामयाबी है, ये हुमैरा तबस्सुम जी। और इन्होंने लिखा है कि आज इनके एक दोस्त का जन्मदिन है और इस खुशी के मौके पर, इस जन्मदिन के मौके पर ये उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हैं और इनका कहना है कि ये दिल से दुआ करती हैं कि ये दिन जो है उसके लिए खुशियों की बहार लेकर आए और बार बार लगातार ये दिन इसी तरह से ले आता रहे। और इनका कहना है कि शायद इस वक्त वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल की चाहत है कि उनके लिए एक अच्छा सा नगमा पेश किया जाए। और इन्होंने नगमे के बोल भी लिखे हैं। तो मेरी बहन, हमारी भी अल्लाह से दुआ है कि आपके जितने भी उमंगे हैं या जितने भी आपकी खुशियाँ उससे वाबस्ता हैं अपने दोस्त के साथ, वो हमेशा से अच्छी तरह से, सही तरह से पूरी हों। और आपने उन्हें मुबारकबाद दी है और यकीनन ये मुबारकबाद जो है उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये प्रोग्राम बाद में भी यूट्यूब पर चलता है और हो सकता है आपके दोस्त वहां पे आएं और आपका जो ये पैगाम है ये उन तक पहुंच जाए। नगमा हम पेश करते हैं आपके पहने पर और आपके दोस्त के लिए। तो ये रही आपकी पसंद।
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल रूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, और की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। किन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रकबे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। मोहम्मद अशरफ साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मरकूट गुरे से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आप लिखते हैं कि आप पहली बार आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों को आपने सलाम लिख लिए। और मोहम्मद अशरफ साहब, हम आपका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। जीशान मीर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम है मेरे दोस्त। संजीव जहाज साहब हैं, आप लिखते हैं आज दूसरी बार आया हूँ, सर एक फरमाइश नोट कीजिएगा। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। तो संजीव भाई, हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। अनमोल मोती फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, महेंद्र कपूर की आवाज़ में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और आशा वानी साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। जैद अनवर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब और तमाम दोस्तों को, जैद अनवर गुरेजी की तरफ से सलाम।
वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और आप आगे लिखते हैं, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। हम बिल्कुल खैरियत से हैं मेरे दोस्त, अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। हमारे प्रोग्राम की जान मीर असरार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। लिखते हैं, मेज़बान साहब व दीगर सामीन कराम को मेरा चाहत और मसरत भरा सलाम। अलावा अजी, अगर ये चंद अशार प्रोग्राम में शामिल होते तो बहुत मेहरबानी होगी। आपने लिखा है, नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई, नज़र नीची की तो हया बन गई, नज़र तिरछी की तो अदा बन गई, नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई। रोशनी को शराब कहते हैं, जाम को आफ्ताब कहते हैं, रुख को पर्दा डांपने वालों, हुस्न को बेनकाब कहते हैं। और उमर फारूक साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज पहली बार आपके इस उम्दा प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ और हकीकतन बगैर खुशामद किए कहूँ तो आपकी पेशकश मेरे दिल में घर कर गई। सलामत रहें सर आप। तो क्या कहूँ आपसे मेरे दोस्त, बस यही कहूँगा कि हमारे दिल का जो दरवाज़ा है यकीनन आप जैसे लोगों के लिए खुले हैं। आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और एक और दोस्त हैं हमारे, ये हैं हक्कानी नूरानी साहब, ये चिट्ठे बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मंजुम सर, आई वॉज ऑफन लिसनिंग दिस लाइव प्रोग्राम बट आई वुड लीव विदाउट रीडिंग द कमेंट्स। आई डिडंट नो दैट दिस प्रोग्राम रन थ्रू कमेंट्स। आई वॉज थिंकिंग दैट प्रोग्राम इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। नाउ आई यूज टू लिसन दिस प्रोग्राम एज रेगुलरली एंड न्यू दैट द कमेंटर्स आर द एक्चुअल वेल्थ ऑफ दिस प्रोग्राम। शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और शब्बीर हुसैन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, और आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में कोई भी गाना सुनना चाहा है, बने रहें मेरे दोस्त प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। फ़िलहाल जो हमारे दोस्त हैं, जी हाँ, ये हैं, ये इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि कहाँ से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, लेकिन संजीव जा साहब इनका नाम है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। तुझे तकने को एक नजर, झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे चमन। ऐ जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, मल मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। मल मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ऐ जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, ऐ
बागों के आस पास भी जाना न भूल के। बागों के आस पास भी जाना न भूल के। होगा भरी बहार में फूलों का जी खराब, ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब, ऐ जाने चमन। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नकबे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हम सफर अंजुम निसार। राजिंदर चड्ढा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं कि आप नंगलोई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका वेलकम करते हैं, खैर वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में मेरे दोस्त। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और शौकत दीन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम लिखिए आपने, वालेकुम अस्सलाम। और रशीद महराज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और तायरा जान भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपने भी सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। जावेद अहमद डार साहब हैं, आप लिखते हैं जावेद अहमद प्रोपट्टा लंगेट से, आपके लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मेरे घर वालों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कबूल फरमाए। आप आगे लिखते हैं मेरे घर वाले आयशा बेगम, फाइका अख्तर, मोमिन जावेद, हानिया जावेद, उमिर साहब और मेरा करीबी साथी इरशाद अहमद मीर। और आप लिखते हैं कि आपकी फरमाइश बहुत दिल की गहराई से सुनते हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अपने कीमती वक्त में से आपका वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त ने लिखा है। दरअसल इनका कहना है कि इनका कोई दोस्त है जो इनसे नाराज़ हैं, खफा हैं, और वो इन्हें मनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये हमारे एक दोस्त हैं, ये हाजिन सोनाबारी से हमारे साथ जुड़ते हैं, इनका नाम है इरफान साहब। इन्होंने अपने दोस्त को मनाने के लिए ये नगमा सुनवाने के लिए में लिखा है, और दो गाना है वैसे ये, जी हाँ, ललकार फिल्म से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। सुनिए अपनी पसंद का नगमा। प्यार है बोल मेरे साथिया, कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। जब जब कोयल गीत सुनाए, भंवरा गुनगुनाए, तब तुम सम
साथिया कितना मुझसे प्यार है। डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में, रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। ये तन मन तेरा है, तू है दिल के तार में। सदियां बीती तुम पर मरते, नाम तुम्हारा जपते। मौसम बदले हम ना बदले, ये अपना इकरार है। बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, कितना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हम सफर अंजुम निसार। दोस्तों, आज भी हमारे प्रोग्राम में शामिल कुछ दोस्त हुए हैं। सभी दोस्तों का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब ऐसा लिखते हैं कि अंजुम सर हमारे कॉमेंट नहीं शामिल कर रहे हैं, इसलिए हमें जाना होगा। मेरे दोस्त, आपने सुना नहीं, शायद इससे पहले भी आपका लिखा हुआ एक कमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा था, आपका हमने वेलकम भी कर लिया है। अगर आप अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और असल में यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके कमेंट्स जो हैं वो कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं लेकिन कुछ नहीं आते हैं। इसी तरह से एक शिकायत हमारे रजविंदर चड्ढा साहब ने भी की है। ये लिखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बल्कि 17 कमेंट्स इन्होंने अभी तक किए हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए रजविंदर चड्ढा साहब, आपके सिर्फ चंद कमेंट्स ही मेरे तक पहुंचे हैं। और जो भी यहां तक पहुंचे हैं, हमने बिल्कुल मिन्नन उनको पढ़ा और आपका वेलकम भी कर लिया है अपने प्रोग्राम में। हम बस माजरत चाह सकते हैं आपसे, क्योंकि नेटवर्क का इशू है यहाँ पर बहुत सारा। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये कश्मीर से नशर होता है, श्रीनगर से नशर होता है, तो कभी कभार यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से आपकी जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कभी कभी नहीं पहुँचते हैं। खैर, सभी दोस्तों का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जो भी आज हमारे प्रोग्राम में नए दोस्त शामिल हुए हैं, और आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:24 हुए हैं। तो अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। तो आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हम पेश कर रहे हैं। शौकत दीन साहब ने नगमा सुनना चाहा है नसीब फिल्म से, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, बल्कि हम बाकी सभी दोस्तों को इस नगमे के साथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने आज अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे नहीं सुना। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कल आप रात के ठीक 9:30 बजे हमारे साथ शामिल होइएगा इस प्रोग्राम में। कल हम आपके लिए आपकी पसंद के नगमे ज़रूर पेश करेंगे। आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहे हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान जान लेती है। दोष
हंसती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। इम्तिहान लेती है दोस्ती, इम्तिहान लेती है। जान लेती है जिंदगी।
जहाँ